रोगा पवत नाम को महिमा मिले। और भी एक सुंदर दिन प्रभु ने प्रभु के पवित्र उपस्थिति में एक छोटा झुंड होकर के इकट्ठा होकर मिलकर के प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया, अवसर दिया, दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, अनेक दुख मुसीबतों से बचाया। प्रभु की बड़ी प्रेम है, प्रभु की बड़ी अनुग्रह है, आज भी हम प्रभु के निकट आ पाए। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय का 37 वचन में जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, देखा, जो कोई मेरे पास आएगा उसको मैं कभी नहीं निकालेगा। बहुत बड़ी बात है प्रभु हमारे जीवन में, जो भी प्रभु की खोज में होकर, आपको मालूम है उसी का 44 में भी क्या लिखा, पिता आकर्षित करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। प्रियो हम लोग कितना भी लोगों को प्रोत्साहन दे दे तभी भी लोग प्रभु के पास नहीं आएगा, क्योंकि जब तक पिता खींच ना ले, जब तक पिता उन पर अनुग्रह ना दे, वही बात उसका सृष्टि में भी लिखा है ना। ये सब बात प्रियो इसका मतलब गहराई समझाता है हमको, है ना। वही चेगा सृष्टि में क्या लिखा, पिता कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। देखो प्रियो आज हम लोग कोई भी प्रभु के पास आया है, आप ये मत सोचना कि मैं मेरे सामर्थ्य में आ गया, कभी नहीं। पिता का आपको अनुग्रह मिला, पिता का हम सबको अनुग्रह मिला है ना, पिता ने हमको पुत्र के पास लेकर आया है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा परमेश्वर मतलब उस अनादिकाल से आने वाले बातों को जानता है, और हम सब जानता है कि प्रभु का दिल का सबसे बड़ी इच्छा है मंडली, है ना। मंडली के बारे में प्रभु ने उस अनादिकाल में पद्धति तैयार किया था, इसलिए जो भी मंडली के लोग है उनको प्रभु ने उस अनादिकाल में चुना भी था, है ना। एफेसियों का पत्री 12 अध्याय 4 वचन हमको वही बात बताता है, हमको कब चुना, जगत की उत्पत्ति से पहले। देखिए प्रियो जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में पिता ने चुनकर के रखा था, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये दुनिया में हम लोग भिन्न भिन्न समय में हमारे जन्म हुआ है, हमारा चुनौती हुआ, हमको बुलाया, उसका भी बारे में जब रोमियो के पत्री 8 अध्याय में 29:30 में क्या बोलता है, जिसको प्रभु ने पहले से ठहराया था उनको प्रभु ने क्या किया, बुलाया। बुलाए हुए लोगों को क्या मिला, तो पढ़ेगी उसको, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, देखा पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। देखिए प्रभु का लक्ष्य है हमें पुत्र के स्वरूप में, है ना, हमें पुत्र की उस स्वभाव का बनाना है, बहुत बड़ी बात है। मैं सोचता हूँ जब उत्पत्ति में परमेश्वर ने सारा सृष्टि को बनाया, और छठवां दिन में प्रभु ने जानवरों को, आखिरी में मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बनाने के समय में जैसे जानवर को या और कोई सृष्टि को बनाया ऐसे नहीं बनाया, मनुष्य को बनाने के समय में प्रभु बोलते हैं आओ हम अपनी स्वरूप और सादृश्य में मनुष्य को बनाए। देखा आओ अभी मानव त्रिएक परमेश्वर मिल करके मनुष्य को बनाया, और हो जाओ शब्द में नहीं बनाया, वो अपने हाथ में मिट्टी लेकर के मिट्टी से बनाया, कितनी बड़ी बात है। और अपने स्वरूप और सादृश्य और किसी भी सृष्टि को नहीं दिया, सिर्फ मनुष्य को दिया, है ना। मैं सोचता हूँ कि मनुष्य कितना श्रेष्ठ सृष्टि है, किसी भी सृष्टि को, इवन दूतों को भी नहीं मिला हुआ इतना महान पदवी प्रभु ने मनुष्य को दिया, है ना। और मनुष्य को प्रभु ने राजा होकर बनाया, क्योंकि राज करने के लिए था, मनुष्य को राज करने के लिए, सारे सृष्टि पर राज करने के लिए बनाया, कितना बड़ी बात है प्रिय, कितना बड़ी बात है ना। पर तो आपको हम सबको जानता है कि मतलब मनुष्य ने प्रभु पर विश्वास ना करने के कारण, है ना, भयंकर बात है ना, प्रभु के बात से बढ़कर के वो शैतान का बात पर विश्वास किया, है ना, वहां पर मनुष्य धोखा खाया। ये प्रभु ने कहा था जिस दिन इस मतलब भले बुरे के ज्ञान का पुरुष का फल खाओगे उस दिन मरेगा, लेकिन शैतान ने बोला तुम नीचे नहीं मरेगा, तो प्रभु के बात से बढ़कर के उन लोगों ने शैतान के बात पर विश्वास किया। प्रियो वही एक बड़ा धोखा है।
आज भी कई रीति में धोखा देने वालों के जाल में फंसने के लिए कोई देर नहीं लगता है। प्रभु ने आकर के जब हव्वा को पूछा तूने क्या किया, हव्वा का उत्तर क्या था है? हाँ, उत्पत्ति 3:33 देख के 13 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया। देखा, सर्प ने मुझको बहका दिया या धोखा दिया है? सर्प ने मुझको बहका दिया, सर्प ने मुझको धोखा दिया। देखो प्रियो, हमारे जीवन में ये दुनिया की यात्रा में कई प्रकार धोखा खा सकता है ना। जब वही बात को मैंने प्रेषित पौलुस उड़ाकर कहने के टाइम पर पहला तिमोथी 2:14 में, पहला तिमोथी 2:14। और आदम बहकाया न गया, आदम बहकाया नहीं गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। देखा, स्त्री बहकाने में आकर के प्रयोग हमारे जीवन में मतलब कभी भी कोई भी प्रकार लोग ऐसा बहकाया जा सकता है। शैतान बहुत चतुर है प्रियो, वो बहुत चतुराई से लोगों को बहकाएगा, सत्य वजन से मतलब लोगों को बहकाएगा है ना। आज हम लोग प्रभु का वजन के बारे में कितना सावधान रहना चाहिए। कितना भी हम सीखेगा तो एक एक बार सीखने के टाइम पर ऐसे लगता है अरे ये तो पिछली बार पढ़ने के टाइम पर मेरे दृष्टि में आया ही नहीं, ये वजन कहां था है। मतलब अगर हमको ऐसा कई बार लोगों को क्या लगता है कि मैंने 1-2 बार या 10 बार या 100 बार बाइबल पढ़ा तो मेरे को बड़ा ज्ञान मिल गया, मिल गया क्या? नहीं है ना। आप 101 बार पढ़ने के टाइम पर मालूम पड़ेगा अभी तक आप हमने कुछ नहीं जाना था, अभी इसी बार थोड़ा सा समझा। एक एक बार पढ़ने के समय में आपको एकदम एक नया पन। आप यहां पर बैठ करके वजन सुनने के टाइम पर भी मैं आपको बताने चाहता हूँ, आपने शायद इसे पहले भी ये संदेश सुना होगा लेकिन प्रभु की आत्मा में सुनने वाले व्यक्ति को मालूम पड़ेगा अब आज मैं इसमें से एक नया बात सीखा। हर रोज ऐसे अनुभव होता है, कभी भी मतलब प्रभु का वचन पुराना नहीं होता है ना। ये बहुत बड़ा एक बात है, इसलिए ये दुनिया में अगर हम यात्रा में अगर किसी प्रकार अपने आप को अगर मैं समझदार है मैं समझ गया ऐसा एक दिल में विचार भी आया उसमें भी धोखा खा सकता है। जब पहला कुरिन्थी 3:18 पहला कुरिन्थी 3:18 लॉर्ड जीसस कोई अपने आप को धोखा न दे, जो कोई भी अपने आप को धोखा न दे यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने। हाँ, जो अगर अपने आप को ज्ञानी समझे उसको क्या करना चाहिए, वो मूर्ख बनना है। अपने आप को एकदम कुछ भी नहीं जानता ये अवस्था में अपने आप में बना रहना, नहीं तो ज्ञानी हो जाए। हाँ, प्रभु के दृष्टि में तभी वो ज्ञानी होगा। और आगे, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है वो ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसा देता। देखा, ज्ञानियों को उसकी चतुराई में फंसाता। और आगे, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है व्यर्थ है। प्रियो, हमारे जीवन में हमें इस स्वर्गीय ज्ञान में रोज रोज आगे बढ़ना, प्रभु की अनेक वचन के बारे में। आज कितने प्रकार लोग धोखा खा रहे हैं वो लोग समझता नहीं होगा शायद। आज यहां पर आने से पहले मैंने कल एक होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने वास्तव में किया भूल गया होगा, इधर से जाते इधर छोड़ कर जाता है, लोगों का स्वभाव ऐसे ही अधिकतर है ना। मैंने होमवर्क क्या दिया था, अध्याय आप लोग हाथ नहीं खड़ा करना नहीं तो शर्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा क्या है, कुछ लोग जरूर पढ़ा होगा लेकिन बहुत लोगों को समय नहीं मिला, समय नहीं मिला है। लेकिन आज उन लोगों के लिए वापस एक बार मैं वो बात बदलना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब आपको मालूम है पुराने नियम में जबकि मतलब बाइबल का एक पन्ना भी लिखा नहीं गया उससे पहले या उत्पत्ति किताब लिखा जाने से पहले जीवित व्यक्ति था योब, और योब का जीवन का निर्णय के बारे में मतलब बताने वाला एक चैप्टर है योब 31 अध्याय। इसलिए मैं आपको बोला था उसमें से बहुत बातें आपको सीखने के लिए मिलेगा, अच्छी बात है। मतलब प्रभु ने प्रभु का वचन में अगर मिलाया है तो उसे सीखने वाला बात बहुत है। प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आज भी हमको हर एक बातों में प्रभु के वचन का हर बात में हमें कितना सावधान रहना। यीशु मसीह ने जब चेलों को भेजने के समय में जो कहा हुआ बात मती उसका 28:19 अब एक बार हमारा याद है इसके लिए पढ़ेंगे। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। मानना सिखाओ, मैंने उन सबको मतलब मैंने जो भी तुम्हें सिखाया वो उनको भी मानना सिखाओ। प्रियो आपको मालूम है कि उस समय की मतलब मंडली या मंडली खड़ा होने के बाद में आपको मालूम है मंडली क्या करते थे? प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय का 42 वजन जो 41-42 दोनों पढ़िएगा। प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 41-42 मतलब जिसका रह जन्म हो गया, जिसका वजन ग्रहण करके उधार पाया। हाँ देखो उन लोगों ने प्रभु की आज्ञा के अनुसार बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्य के लगभग उन्हें मिल गए और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने। देखा प्रेरितों से उन्होंने क्या किया? प्रेरितों से शिक्षा पाया या उपदेश को सीखा। बहुत बड़ी बात है, प्रेरित लोगों से उन्होंने उपदेश को सीखा, शिक्षा पाया, उन्होंने शिक्षण दिया। बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु के वचन को हम लोग कई बार क्या होता है कि लोगों की अवस्था देख करके कई वचनों को अपन थोड़ा सरल कर देता है। सरल नहीं करना, एक ही भी वचन को वो हल्का नहीं समझाना, उसका उसका गौरव से समझाना। प्रभु ने देखो अभी हमको स्वर्ग के राज्य में क्या बनकर रहना चाहता है, जब मत्ती 5:19 वचन में एक चेतावनी सिखाने वालों के लिए बताता है। मत्ती 5:19 वचन, एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए। देखा अपने जीवन में विषय को तोड़े क्योंकि वो खुद पालन नहीं कर पाया, इसलिए कोई बात नहीं छूटे, ऐसा करेगा तो क्या होगा। और वैसा ही लोगों को सिखाए स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। हाँ स्वर्ग राज्य में वो सबसे छोटा कहलाएगा। आगे पहले बात तो सिखाने वाला पालन करना जरूरी बात है। यीशु मसीह ने जो भी अपने जीवन में था इसके बाद में सिखाया, ये तो हमने प्रेरितों के काम में पढ़ा था पिछले दिन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन कहता है कि वचन सिखाने वाला पहले अपने जीवन में लाए इसके बाद में वो सिखाए। देखिए ऐसा करेगा तो स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। देखा महान या बड़ा कहलाएगा। देखिए अभी हमको प्रभु के राज्य में रहते हुए अभी स्वर्ग राज्य में मैं कैसा बन करके रहेगा, ये बात को भी हमें यहाँ पर जानना बहुत जरूरी बात है ना। प्रभु के दिया हुआ उन शिक्षणों को प्रयोग हम सही रीति में पहले सीखना और इसके बाद में उस पर चलना और दूसरों को सिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो भी हम प्रभु की दृष्टि में गुनाहगार ठहरेगा। अब हमारे में उस समय में बहुत से लोग बड़े बड़े काम किया, बड़े बड़े काम किया, यीशु मसीह के नाम पर दुष्टात्माओं को निकाला, बड़े बड़े चमत्कार किया, चिन्ह चमत्कार किया, तो भी प्रभु ने उनको नरक में डाला या मतलब उनको अयोग्य ठहराया या उनको अपने मतलब साथ में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु को महिमा दे करके, प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता दे करके, यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके कार्य नहीं किया। उन्होंने अपनी इच्छा अपनी अभिलाषा पूरा किया, इसलिए प्रभु ने बोला ना उस दिन में जब मत्ती 7:22-23 बजे अरे कितनी लोग प्रचार करने के नहीं पर हाथ ऐसा घुमा दिया तो भूम गिर गया। देखो इतना बड़े बड़े काम किया, लोग सब हमको बहुत पावरफुल प्रभु का दास कहता था। हमने कितने लोगों से सुना इतने बड़े बड़े काम किया प्रभु, इसी के बाद में भी सारा दुनिया मुझे को जानता, आप नहीं जानता। देखो क्या भयंकर बात है प्रभु, ये सब होने के बाद में भी वो भी यीशु मसीह यीशु के नाम पर हुआ है। सब कैसे हुआ? यीशु के नाम पर। देखो प्रियो बात बस बहुत अच्छी तरह समझना हमारे जीवन में, क्योंकि हम लोग कैसे समय में आ गया, ये समय में अगर जिस बात को हमें समझना चाहिए, अभी भी सबका ध्यान इधर ही है ना, आप हमें है ना, हम बहुत प्रार्थना के साथ, क्योंकि आपको मालूम है जब हम प्रभु के वचन की जब गहराई में उतरने लगेगा तो हमें ना समझने के लिए हमारा मतलब दिमाग को घुमा देगा।
बहुत भयंकर प्रियो, प्रभु का वचन की सच्चाई का गहराई में जाने के लिए हमें हमेशा एक तैयारी मन चाहिए, एक सच्चा तैयारी मन चाहिए। प्रियो हम देखते हैं कि प्रभु ने इसलिए कहा, उसका आगे भी प्रिय था, बहुत काम किया, नहीं किया प्रभु ने कभी मना नहीं किया, किया ना तू। हाँ देखिए प्रभु क्या कह रहा है, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। देखा प्रभु के पास से उनको दूर कर दिया, उनको बोलता है हे कुकर्म करने वालों। प्रियो हमेशा हमारे जीवन में हम प्रभु की इच्छा जान करके उस इच्छा में बना नहीं रहेगा तो फिर कौन सा काम में है, वो कुकर्म हो गया। वो काम हमारे दृष्टि में कितना भी अच्छा भी क्यों ना हो प्रियो, वो प्रभु का दृष्टि में वो उसका कोई मूल्य नहीं। आज मैं जो भी काम करता है प्रभु के दृष्टि में उसका मूल्य है क्या? मैं अनंत काल का उस मूल्यवान बातों को समझ करके अगर मैंने जिंदगी के समय को मैं नहीं बिताता, प्रियो आप समय को व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए हमको हमेशा ये जानना चाहिए प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान बात क्या है। आज बहुत आसानी से सरल रूप में स्वर्ग में ले जाने वाला बहुत लोग है, ऐसे लोगों से कितना हमें सावधान रहना। वे लोग मतलब जो बजाने वाला बात वो अपने आप को भी धोखा दे करके, इसलिए मत्ती 7:15 तो पढ़ना, 7:15 झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं। कैसे आता है? भेड़ों की भेष में आता है, भेड़ों की भेष में आता है, इसलिए तो जो लोग धोखा खाता है एकदम भविष्य लेकर के मानव प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के आएगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम सावधान रहना। प्रियो हम लोग कितना अधिक सावधान रहने के एक टाइम है, ये समय है। आज हम लोग कैसा है प्रभु के प्रति, आज हमारा दिल कैसा है, प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। अभी हम लोग जो इस पहाड़ी उपदेश में से या स्वर्ग राज की मतलब सिपाहियों की जो होना चाहिए उस क्वालिफिकेशन उनकी योग्यता वो बात हम लोग देख रहा था। हमने सर्व कल पहली बात को देखा कि जो आत्मा में दीन है, इसका मतलब क्या है, जो प्रभु के दृष्टि में अपने आप को नम्र और दीन करके चलता है, हमेशा प्रभु का शरणागत होकर के प्रभु के बिना मेरे जीवन शून्य समझ करके प्रभु के सहारे लेकर के हर पल चलने वाला एक व्यक्ति वो है, उनका है स्वर्ग राज्य, उनका है स्वर्ग राज्य। हमारा एक एक दिन का जीवन कैसा है हम लोग देखना चाहिए। आज हम उसका 4 बजे पढ़ेंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। देखिए धन्य है वे या आनंद दे वे जो शोक करते हैं। यहां पर जो धन्य है कहा वो उसको बोलता है आनंदित, आनंद दे वे जो शोक करते हैं। ऐसे कैसा है मतलब कौन कैसे बोलेगा कि शोक करेगा तो आनंद मतलब वो धन्य है। प्रियो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु के दृष्टि में है मतलब किस बात के लिए हम शोक करना चाहिए, किस बात के लिए शोक करना चाहिए, हमारे पापों के प्रति। किसके प्रति? हमारे पापों के प्रति। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आज अरे मैंने क्या किया ऐसा पाप का प्रति पछताव करने वाले लोगों की संख्या आज बहुत कम होते जा रहे हैं। कितना भी पाप करता है तो वो समझता है ये तो मेरे कमजोरी, ये एक मेरा कमजोरी है। प्रियो कमजोरी बोल करके पाप को कभी भी आप तुच्छ नहीं करना। हमारे जीवन में प्रभु में आने के बाद में प्रभु के दृष्टि में पाप कितना भयंकर है वो हमारा भी दृष्टि में होना चाहिए। बात समझ में आया? जैसे प्रभु पाप को देखता है वैसे हमें भी पाप को देखना चाहिए। ऐसा देखेगा तो हम लोग कभी भी एक भी ऐसा दिन नहीं रहेगा जिस दिन हम टूटा हुआ दिल के साथ प्रभु से भेंट करें। प्रयोग बहुत जरूरी बात है। हमारे जीवन में रोज हमें पछतावा करना चाहिए, रोज हमें मन फिरना चाहिए। एक सच्चा मन प्राप्त में पछतावा भी है ना? जब हम लोग जो भी आपको मालूम है जिन लोगों ने उद्धार पाया उस समय में प्रभु यीशु पर विश्वास किया, इतना ही नहीं उन्होंने पछतावा किया।
अपने पापों को कबूल करके उन रूप में मन फिरा। आज भी बहुत लोग सोचता है मैंने प्रभु में विश्वास किया तो सब कुछ हो गया। मेरे को लगता है वो व्यक्ति में उद्धार का अनुभव नहीं रहेगा, उद्धार का अनुभव नहीं रहेगा। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति जरूर प्रभु की आत्मा उसमें कार्य करने के द्वारा उसका भाव की भयानकता को जाना और उन्होंने टूट फूट कर रोया। आपको मालूम है मन करते बिना आपको जब पेंतेकोस्त के दिन में पत्रोस खड़ा होकर जो प्रचार किया प्रेरितों का दूसरा अध्याय का 38 वचन, पत्रोस ने उसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। देखा मतलब हर एक लोग क्या करना माँ अपने मतलब मन फिरना। मुख्य बात क्या है? मन फिराओ, मन फिराओ बहुत बड़ी बात है भैया हमारे जीवन में। आज लोग मन फिरावट के बारे में ज्यादा बताता ही नहीं। यीशु मसीह ने खुद लूका का सुसमाचार 5:32 पढ़ना, लूका 5:32 मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। देखा मैं मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं धर्मियों को नहीं मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने के लिए आया। प्रियो हमारे जीवन में जब मैंने मतलब सुसमाचार सुना तो मेरा उद्धार हुआ तो उस समय में मेरा मन फिरावट हुआ क्या? मैंने जीवन में मैंने किया हुआ पापों के बारे में मैंने पछताया क्या? एक टूटा हुआ दिल के साथ है इतना बड़ा प्रेम करने वाला प्रभु को मैं आज तक इतना बड़ा दुख दे करके मैंने जीवन बिताया, अरे मैंने ये क्या किया, ऐसा एक सवाल हमारे अंदर हुआ है क्या? वो ध्यान से सुनना है यरमिया नबी की किताब में 8 उसका 6 पढ़ना, यरमिया 8 का 6। मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा। देखो इनमें से किसी ने अपनी बुराई के बारे में अपने पाप के बारे में पछताकर ऐसा नहीं कहा हाय मैंने ये क्या किया। आज शायद इस पीढ़ी की लोगों की मन फिरावट भी ऐसा है। ध्यान से सुनना भाई, आप जब मन फिरा या आपने जब नया जन्म पाया आपने जब पाप क्षमा पाया क्या सच में आपने सुसमाचार सुनने के बाद में आपका कॉन्शियस में आपका मन में आपका दिल में प्रभु की आत्मा कार्य करके आप एक भयंकर गुनाहगार है पापी है इस पाप का मजदूरी भयंकर नरकी आनंद काल का सजा है ये बातों के बारे में समझ आ करके उस प्रेम प्रभाव करके आपके अंदर पाप कबूल करते हुए रोने वाला अनुभव आया क्या? आंसू बहाए क्या? शायद आज बहुत लोगों को सच्चा उदार के आनंद क्यों नहीं, मैं आपको बताऊं उसका उदार हुआ ही नहीं, उदार का आनंद कैसे आएगा? एक बात जानना, एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति उसको इस उदार का बात सुनने के समय में ही बड़ा आनंद है क्योंकि वो उस आनंद को अनुभव किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज सही प्रकार उस उदार के आनंद मुझ में काम करता है क्या? मैं जब प्रभु के सुसमाचार सुनने के समय में पूर्ण रूप में मैं पछतावा किया है क्या? मैं मन फिरा है क्या? ये जो मन फिरावट जो है एकदम मतलब आर्मी का जो परेड चलता है तो जब एक एक मतलब ग्रुप जब चलने के टाइम पर आगे जाने के टाइम पर हम लोग खड़ा होकर बोलता है पीछे मुड़, उधर जाने वाला उधर से पीछे मुड़े वापस आएगा, यह मन फिरावट। ये प्रकार का एक मतलब जो भी हम अपनी मार्ग में चल रहा था उसको एकदम त्यजिक कर प्रभु की ओर मुड़ना, वही बात प्रेरितों काम 3:19 में लिखा है। क्या बोला वहां पर प्रेरितों काम 3:19 इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन पाए। देखिए देखिए कितना अनमोल बात है, वापस होकर पढ़ना, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। जो व्यक्ति मन फिरेगा उसका मतलब उस मन फिरावट में क्या है? पछतावा है, पछतावा है। उन लोगों को पाप मिटेगा, इसका मतलब मैं सही प्रकार मन फिराए कि नहीं,
मेरा आत्मीय जीवन सही प्रकार प्रभु में बराबर चल रहा है कि नहीं, ये बात तो परखना पड़ेगी। रोज रोज हमें परखना चाहिए। वो स्वर्गीय आनंद आज प्रभु के गवाह बनकर जीने के लिए मुझको प्रोत्साहन दे रहा है क्या? एक उद्धार का आनंद पाया हुआ व्यक्ति कभी भी रुक नहीं सकता। उसको कोई बोलने की जरूरत नहीं। आजकल क्या है, सब लोगों को मीटिंग में आना है, आओ ना। मैं आपको बोलता हूं प्रियो, मैंने ये कार्य करने का एक उदार पाया व्यक्ति को जरूरत नहीं। उदार पाया व्यक्ति दूसरे लोगों को भी लेकर आए, ये एक उदार पाया व्यक्ति के चिन्ह। आजकल कैसे भी लोगों को इकट्ठा करके और चलो यार इतना लोग आया था, ऐसा बोलने के लिए गिनती शो करने वाला बात। मैं आपको बोलता हूं अभी टाइम हो गया, अभी वो सब छोड़ दो। जो व्यक्ति वास्तव में उधार पाया वो व्यक्ति के अंदर आगे आ रहा है, वो विषय स्वर्ग राज्य के लोगों का उसमें वो आएगा। बहुत बड़ी बात है। आज भी दूसरे के प्रोत्साहन बिना हम खुद होकर के अगर वजन नहीं पड़ता, प्रार्थना नहीं करता, प्रभु का गवाही नहीं देता, संघ जी के लिए उत्साह नहीं रहता, मैं आपको बोलता हूं उसका उधार ही नहीं हुआ। उधार पाया व्यक्ति को यह सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, वो तो इसका खोज में रहता है, उसको इसका जरूरत है। तो आप को नहीं तो विरोधी ने वो विशाल मार्ग दिखाया होगा, हमारे उधार हो गया, अभी तू नहीं पहुंच जाएगा, धोखा प्रियो धोखा। आप देख रहे रोज आपके जीवन में देखिए ये प्रभु का वचन में अभी जब आगे आएगा, पगला स्थान प्रभु को अगर नहीं देता, प्रभु का वायदा वो प्राप्त नहीं करेगा। आज जीवन में मैं पगला स्थान प्रभु को देता है कि नहीं, क्योंकि मतलब मत्ती 6:33 में क्या बोला, पगले उसका। आप देखो पगला स्थान, हम कुछ भी बात बोल करके बहाना बोल के बेच नहीं सकता भी। आज भी उस उदार के आनंद के साथ आज मैं प्रभु को उस में गया है। प्रभु आज भी आप बोलना मैं सुनूंगा और मैं तेरा दास ऐसा जीने के लिए तैयार है। प्रभु जो भी बात बताएगा वो मानने की तैयारी का एक दिल के साथ आज हम प्रभु को उपस्थिति में क्या। देखो यहां पर बैठा हुआ सबका दिल प्रभु को मालूम, क्योंकि प्रभु क्या देखता, दिल को देखता है। आपका विचार, आपका भावना, आपका इच्छा, आपका निर्णय है ना, ये सब प्रभु जानता है। प्रभु उसके अनुसार हरेक से बात करता है। लेकिन कई लोग प्रभु बार बार बोल रहा है ना, इसको कहा नहीं सुनो, मन क्या है, कई लोगों को सुनने वाला कान नहीं है। यीशु मसीह खुद बोलता है ना, जिसका कान नहीं सुनो, मंडली को संदेश देने के लिए बोला, आत्मा मंडली से क्या कहता है, जिसका कान नहीं सुनो। बार बार क्यों बोला, क्योंकि बहुत लोगों को सुनने वाला कान तक नहीं, कान तक नहीं। प्रियो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में हमारे जीवन में मन फिरावट के लिए अवसर देता है। मन फिरावट के लिए मतलब प्रभु हमारे जीवन में काम करता है। प्रभु की दया प्रभु हम पर उंडेल का रोमियों का पत्री 2:4 रोमियों 2:4 ओ लॉर्ड जीसस थैंक यू फादर। क्या तू उसी कृपा उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है, क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिरावट को सिखलाती है? देखा परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिरावट को सिखलाती है, कितनी बड़ी बात है। आज कितने लोग प्रभु के वचन को ध्यान से सुन करके अमल करने के लिए तैयार नहीं है। देखो आपको सबसे सबको मालूम है, जब पहला रक्त साक्षी सभानुस जब प्रचार करने के समय में आपको मालूम है सभानुस वास्तव में वजन का एक कीड़ा था, या वजन अच्छी तरह जानता था। पुराने नियम की सारे बातों को भक्तों को लेकर के वर्णन करते हुए उनका प्रचार आप सुनेगा तो बहुत पावरफुल मैसेज था। वो समय में आखिर में उनको देख करके गाने वाले एक शब्द, उसका 7 अध्याय प्रेरितों काम 7 अध्याय का 51 वचन, किसको बोल रहे यहूदियों को बोल रहा है, हतीले और मन और कान के कतरा रहित। देखो क्योंकि ये वचन मतलब अपने कान में सुनने के लिए, कान का कतरा नहीं मन की कतरा नहीं, ग्रहण करने के लिए ऐसा प्रचार किया।
देखो आज कैसे प्रचार करना चाहिए, कितने लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं और सुनने के अनुसार चलने के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए मन लगाते हैं। देखिए यहूदियों को अच्छा मौका मिला, लेकिन उन लोगों ने प्रभु ने दिया हुआ अवसर को नष्ट किया। इसलिए जब आपको याद है जब उसका प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 46 वचन पढ़ना। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते। देखिए वे लोग इस वचन को, ये वचन कौन सा वचन है? अनंत जीवन का वचन है, अनंत जीवन का वचन है। देखिए आप बहुत ध्यान से सुनना, आप लोग अभी पढ़ रहे नहीं उधर ही रहो, लेकिन मन प्रेरित 5:20 में स्वर्ग दूत ने प्रेरितों को जेल से बंधन से बाहर ला करके बोला, तुम लोग ये जीवन की वचन को, कौन सा वचन? जीवन की वचन सबको बताओ। देखा अभी यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है तुम लोगों ने क्या किया, इस अनंत जीवन के वचन को अयोग्य, उसको ना स्वीकार कर अयोग्य ठहराया। प्रियो इस वचन को आप किस दिल से स्वीकारता है ये जानना मुझे अनुभव है। मैं कई जगह पर प्रचार करने के समय में कई लोग टूट फूट कर रोते थे, परंतु अभी बहुत साल हो गया मैं वो बात को नहीं देखा, प्रियो वचन सुनने के समय में लोग उधरी बैठ करके रोते थे, क्यों? क्योंकि वो लोग दिल लगा करके मन लगा करके वो वचन को सुनते थे, वचन को स्वीकारते थे, वो वचन उनके जीवन में प्रभावकारी करते थे। देखिए अभी यहूदी लोगों ने नहीं स्वीकारा, तो लोगों ने जातियों को वर्गीकरण किया, उसको तो आगे एक वचन बढ़िएगा 48 तक बढ़िएगा। तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जातियां आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। वचन की अन्य जाति के लोग बड़ाई करने लगा, क्योंकि ये वचन की बड़ाई एक्चुअली यहूदी लोग करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने अपने अपने आप को अनंत जीवन के लिए अयोग्य ठहराया। अभी इसलिए अभी जाति के लोग हमारे जैसे लोग उनकी क्या हो गया, उनको अनंत जीवन मिला। आगे बढ़िए, जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए उन्होंने विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी यहां पर अभी तक उद्धार नहीं पाया, इस वचन को जो भी स्वीकारेगा तो कौन अंदर आएगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह अंदर आने का मतलब अनंत जीवन है। इस वचन को स्वीकारते बिना एक व्यक्ति में यीशु मसीह नहीं आएगा। इस वचन आपके अंदर आते बिना आप अनंत जीवन नहीं प्राप्त करेगा। इतना बड़ी बात है। वही बात जब पत्रोस कॉर्नेलियुस का घर में हुआ संभव को मतलब बजाने के समय में यहूदी लोगों के बीच में गवाही देने के टाइम पर उसका 11:18 यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। देखा जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया, उनको भी मन फिरने के लिए मौका दिया, उन लोग भी अनंत जीवन को प्राप्त कर पाया। कितना बड़ी बात है। आज हम लोग अपने जीवन में जब प्रभु का वचन सुनता है, हमारा कोई भी गलती के बारे में प्रभु आशा दिलाता है, प्रभु का लोगों को जरूर प्रभु बातों को मतलब दिलाता है। ये बड़ी बात है, हमारा एक एक छोटा छोटा गलती को भी प्रभु हमको बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब हर प्रकार हर हमारे जीवन की हर एक बात प्रभु की दृष्टिकोण से देखने वाला अनुभव प्रभु ने उद्धार पाए हुए लोगों को दिया है, क्योंकि 1 कुरिन्थियुस 2:16 की आखिर में लिखा है हमें मसीह का मन है। तो हम किस प्रकार एक एक बातों को देखेगा जैसा यीशु मसीह देखता है।
तो इसलिए दूसरा पत्रोस पहला अध्याय का 4 वचन में लिखा है, हमें प्रभु ने ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बनाया। प्रियो, हम ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार है तो प्रभु के स्वभाव में पाप नहीं, प्रभु में पाप नहीं। हमें कैसा जीवन बिताने के लिए, अगर कुछ गलती हो गया तो ये तो हमारा कुछ कमजोरी है, मेरे गिरदा बोल कर तुझ करेगा नहीं। प्रियो, तुरंत प्रभु के सामने कबूल करके एकदम टूट फूट कर रोएगा, पछताव करेगा, प्रभु से क्षमा मांगेगा। मैं ये नहीं बोलता किसी से कोई गलती नहीं होता, लेकिन प्रियो गलती करने के लिए या पाप करने के लिए प्रभु ने हमें आने के नहीं किया, बहुत बड़ी बात है। हमें रोज इस दुनिया की अवस्था को देख करके, प्रेरित लोगों का जीवन की चैनों का अवस्था के बारे में देख करके प्रभु ने बोला ना, लूका का सुसमाचार चौथा अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि तृप्त किए जाओगे, आगे धन्य हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। अभी जो रोने वाला है ना, अभी हम लोग सुसमाचार सुनाने के बाद में जब लोग प्रभु को ग्रहण करता है नहीं तो रोता है, रोता है, प्रभु इन पर दया कर, इनको भी मन प्राप्त का अनुभव दे। प्रियो, उन लोग पाप करते करते पाप को पानी की नहीं तो पीते पीते वो लोग इतना एक अंधापन का अनुभव में आ गया है। कितना दुख भरा बात है। ईयूब की किताब उसका 34 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना। ईयूब 34:32, जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे सिखा दे, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो, यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा न करूंगा। देखा, प्रेज लॉर्ड। प्रियो, कोई टेढ़ा काम करता है क्या? हम जो करता है सब अच्छा काम है या टेढ़ा काम है? लोग परखता नहीं मैं क्या करता है। बहुत प्रकार लोगों में मानो सच्चाई को डुबाने के लिए झूठ बोल करके धर्मी बनने की कोशिश करता है। कितना दुखदायक बात है हमारे जीवन में। हमें आज मतलब ऐसा कोई भी मेरे जीवन में मैं जो नहीं है ऐसा बात में अगर शो करता है, या मैं जो नहीं है लोग ऐसा मुझे समझे, ऐसा अगर कोई भी कार्य दिल में सोचता है वो कपड़ा का दिल है। हमें उस दिल से मन भरना चाहिए, उन बातों से मन भरना चाहिए। कई बार कई लोग मतलब प्रभु का दास को खुश करने के लिए, बहुत लोग ऐसे प्रभु का वचन में गलत 1:10 में क्या बोलता, यदि मैं अभी तक मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर का दास नहीं, प्रभु का जन नहीं। प्रियो, बहुत बार धोखा हुआ कि नहीं? जरूर। मैं आपको बोलता हूं बहुत बार लोग अभिनय करता है। प्रियो, सबसे पहला एक्टर लूसिफर है, फिर एक्टिंग करने वाला कौन होता है? उसका ही संतान होता है। हमारा जीवन, हमारा बात एकदम सीधा होना चाहिए, हमें एक दूसरे को सत्य बोलना चाहिए। इधर उधर की बातों को लेकर के दूसरे लोगों को बकाना, धोखा देना, ये सब काम प्रभु के जन के नहीं। प्रियो, देखो टेढ़े मार्ग ये को बोलता है, वो शब्द वापस पढ़ना उसका आधा लास्ट। आप लोगों ने छोड़ दिया होगा 34:32, और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो, मैंने टेढ़ा काम किया हो, देखा मतलब युग की समझ में ऐसी बात है ही नहीं, फिर भी देखो क्या बहुत बड़ी बात है। जैसा अभी मतलब एक बार अपने दाविद ने भी प्रार्थना किया था 19:12 में, क्या बोलता है 19:12? मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर। बोलने का मतलब दिल से ये मांगता है। प्रियो, हमारे जीवन में हो सकता है मुझको ये गलती ये करके ना समझ करके मैं गलती कर रहा होगा। प्रियो, उसको भी प्रभु तू मुझको समझा दे, ताकि मेरे जीवन में कभी भी प्रभु तुझसे दूर होने वाला, क्योंकि कोई भी प्रकार का पाप हो प्रियो प्रभु से हमें दूर करेगा। प्रभु के वाणी सुनने में असफल हो जाएगा, प्रभु की संगति हमको मिलेगा नहीं। हम जब तक मन फिर करके प्रभु के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि प्रभु की आत्मा में चलने वाले व्यक्ति को ये सारी बात तो प्रभु तुरंत बताएगा,
एक घंटे के बाद भी नहीं, तुरंत बताएगा तूने कर दिया। अभी तूने गलत सोचा, तूने मतलब बुरी दृष्टि किया, तूने बुरी बात सोचा, तूने बुरी बात मतलब सुनने की चाहत किया, तुम्हारे दिल में किसी के प्रति नफरत कड़वाट रहेगा, तुरंत आत्मा बोले बोलते है कि नहीं बोलते है। आत्मा पाया है तो बोलता है, क्योंकि आत्मा हमें हर एक सच्चाई में चलाएगा। इसलिए ये जो मन फिरावट प्रभु के लोगों को मन फिरावट मतलब उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, दुनिया के लोग दुखी बनेगा तो आत्महत्या भी करेगा, रस्सी ढूंढेगा, चाकू ढूंढेगा, पॉइजन ढूंढेगा, रेलवे पटरी ढूंढेगा, ऐसे कई कुछ ढूंढेगा, नदी ढूंढेगा। परंतु प्रभु के लोगों का मन फिरावट का खूबी क्या है, दूसरा कुरिंदी में 7 अध्याय में लिखा है, दूसरा कुरिंदी 7 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ना। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। देखा प्रियो, बहुत ध्यान से सुनना, एक सच्चा प्रभु की ओर से आत्मा के द्वारा होने वाला कार्य है तो वो पछतावा उनके जीवन में उद्धार का कार्य करता है, उन्हें जरूर छुटकारा मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने गलती किया, पाप किया, आज बहुत बहुत बात को छोटा झूठ बोला उसमें कौन सा फर्क ही पड़ता है, छोटा झूठ आपके लिए होगा, प्रभु का दृष्टि में आप झूठा है। झूठ बोलने वाले कौन है, शैतान उसका पिता है, फिर आप उसका संतान है, तभी तो झूठ बोला। हमें सत्य बोलने के लिए प्रभु ने सिखाया, पर जो हम क्या बोलता है कई बातों में है? ओ बोलो, कोई किसी को ये नहीं लिख रहा, प्रभु का दास ने मेरे को फोन किया, देखा नाम आया, ओ अभी नहीं लेने का, भाग में क्या बोलेगा, बाहर बोलेगा, अरे मैंने आपका कॉल देखा ही नहीं, मैंने आपका कॉल देखा ही नहीं, नहीं तो मैं नहा रहा था, क्योंकि कॉल देखा उसके सामने पूरा रिंग गया। देखो ये झूठ बोलने का विचार कौन लाया, आपका दिल को शैतान कब्जा करता है। अनन्या और सबीरा के दिल को कौन कब्जा किया, ऐसा ही विचारों में, विचार विचारों में, इसका मतलब हमारा विचारों में तक एक सच्चा लड़ाई काम रहे विचारों में, है ना। दूसरा कुरिंथी 10 अध्याय उसका 4, 5, 6 बजे, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हाँ, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है हाँ, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है हाँ, खंडन करते हैं। देखो परमेश्वर की इच्छा नहीं आप ऐसा झूठ बोले, आप कोई बहाना बोले। आज ये संदेश आप जरूर, आप स्वर्गराज के नागरिक बनकर के उसमें अगर छोटा बनकर नहीं बड़ा बनकर रहना चाहता है तो ये बात अच्छी तरह सीखो। अभी तक का जीवन में एक बदलाव आना चाहिए प्रियो, ये क्लासेस, क्योंकि मैं आपको एक बात प्रभु में मतलब प्रोत्साहन करके बताना चाहता हूँ, हम तो एकदम लास्ट मोमेंट में है, ये तो प्रभु की प्रभु से बहुत दिनों से टूट फूट करके बहुत लोगों ने विनती किया है, प्रभु ने एक चांस दिया इस रीति में बैठ करके, क्योंकि मुझे मालूम है यूट्यूब में, आप थोड़ा सोचो प्रभु का संदेश यूट्यूब में आया, कितने लोगों ने जिम्मेवारी के साथ मतलब हर रोज को संदेश को सुना और कुछ समझा नहीं, बहुत कम लोग शायद एक आधा हो सकते हैं, बाकी लोगों ने और कुछ बहाना दे रहा है तो भी वो धोखा दे रहा है, धोखा खा रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम लोग कितनी टाइम इस लॉकडाउन पीरियड में करीब 1.5-2 साल से ऊपर हो गया, इस समय का समय को प्रभु ने हमको प्रभु के संगति के लिए दिया था, प्रभु ने समय एक्स्ट्रा समय दिया, पर वो एक्स्ट्रा समय क्या किया, नहीं तो भागता ना इधर उधर सब भागता, अभी तो कम से कम आ गया तो घर से बाहर निकलता नहीं, ज्यादा घूमता नहीं, वॉकिंग के लिए नहीं जाता, इतना सब कुछ समय निकाल कर दिया, परंतु बहुत लोगों ने वो समय को मिस यूज किया, गलत यूज किया, प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठा, प्रभु के साथ संगति नहीं किया, कितना दुख वाला बात है, प्रभु का दिल को कितना दुख होगा। मैं मेरे लोगों को मेरे लिए तैयारी करने के लिए मैंने कितनों प्रकार का मौका बना कर देता है, फिर भी ये लोग
उसको सोने के लिए है, नहीं तो भारत किताबों के पीछे बाइबल तक पढ़ने के लिए लोगों में इंटरेस्ट नहीं थी। कितना दुखदायक बात है भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु अपने को बोलता है। हम लोग कई बार कई रीति में मतलब और कुछ शो करके अपने आप को भक्त दिखाना चाहता है, इसलिए दुनिया के सामने भक्त दिखा करके क्या जीतेगा भाई, क्या जीतेगा? स्वर्ग क्या गवाही देता है, प्रभु क्या गवाही देता है? मैं आपको बोलता हूं, मुझे तो ये लॉकडाउन तो आपको मालूम है, विपुल को मालूम है, मैं प्रभु को बोलता था, प्रभु अब ये विजिटिंग बारे में ज्यादा नहीं जाना चाहता, मेरे को घर में आपके सामने में रहना, मेरे को भी दावेद जैसा दिलाया, मैं बोला प्रभु की उपस्थिति सबसे अच्छा, और मैं ऐसे ही करता हूँ। कितने बार गया होगा भाई, और प्रभु ने हम बात कर रहा था, अभी ऐसा कोरोना भी आएगा मालूम नहीं था, प्रभु ने कोरोना भेजा, पर मेरा दास की इच्छा पूरा कर देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बिल्कुल प्रभु की वाणी में रोज सुनता हूँ। इस पीढ़ी में मैंने प्रभु को बहुत गहराई से अनुभव किया है, स्वर्ग दूध उधर करके मेरा सेवा किया है मुझे मान, और रोज मैं प्रभु का वाणी सुनता हूँ। और ये बात आपको बोलने में मुझे बहुत, अभी मेरा पति और बच्चा देखते ना, मैं हमेशा प्रभु के साथ है, हमेशा प्रार्थना में हूँ, वचन ध्यान में, प्रभु के सन्निधि में। बहुत कम मैंने इधर उधर थोड़ा स्थिति के लिए जाता है, वो भी एकदम आत्मा बोझ देता है, तब थोड़ा भी समय नष्ट करने के लिए नहीं प्रियो, क्योंकि हम ऐसे समय में आ चुके हैं। मैं रोज रोज में रोता हूं, मैं इतना गिड़गिड़ा करके रोता हूं, और बहुत रोऊंगा, कुछ अवस्था प्रभु मैंने बात करता है तो उनके लिए ज्यादा प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत आपसे विनती करता हूं प्रियो, जरूर प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोला, योगना का सुतम जाए 16:20 योगना 16:20 लॉर्ड जीसस तुम रोते नहीं रहेगा, तुम्हारा रोना आनंद में बदल जाएगा प्रियो। आज रोने वाला बाद में आनंद हमेशा 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 आनंद रहेगा, और हमें मिला हुआ आनंद कैसा आनंद है उसका 22 उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हालेलुया। आज कोई भी बात हमारा मन प्रभु से पाया हुआ आनंद छीन ले जाता है क्या प्रियो? जिस व्यक्ति को प्रभु की आत्मा मिला वो आनंद कहां जाएगा, क्योंकि आत्मा का फल क्या है? आनंद। भूल गए ना, सब लोग एक बार बोलेंगे, आत्मा का फल प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता संयम। बहुत अच्छा है ना, साथ में प्रेम से रोकी है, हम प्रभु में है, प्रभु के हाथ में पाया फिर भी आनंद नहीं प्रियो। हमेशा हर अवस्था में प्रभु हमें आनंद रहने के लिए सिखाया है, ये आत्मा में रहने वाला लोगों का एक खूबी। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में 5:4 में और एक बार पढ़ेंगे, धन्य है वे जो शोक करते हैं प्रियो, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि जब तक हम दुनिया में है प्रियो हमें शोक करने की जरूरत है, जब तक हम ये शरीर में है हमें शोक करने की जरूरत है, क्यों? जैसा प्रभु चाहता है वो पदवी में हम पहुंचा नहीं, हमसे कई प्रकार कमी घटी होता है, हम क्या करता, चल प्रभु कोई बात नहीं, वो तो छोटी बात है ना प्रभु, ऐसे बोलता क्या? नहीं नहीं नहीं, रोता है प्रियो, अपने आप को परखो, मेरी जीवन में आया हुआ गलतियों के प्रति मैं प्रभु की उपस्थिति में रोया हुआ अनुभव कितना सारा हो गया प्रभु में आने के बाद है। बहुत लोग बहुत लॉन्ग टाइम से कभी रोया ही नहीं, रोना प्रियो ये रोने का स्वभाव बहुत अच्छा है, है? अपने गलतियों को कबूल करके सच्चा पछतावा करने वाले व्यक्ति की आंख से आंसू निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें, एक क्षण अपने आप को परखें,
जो शो करता है वो धन्य है, जो शो करता है वो आनंदित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपका उद्धार हुआ, जिस दिन आपको पाप क्षमा मिला, जिस दिन प्रभु ने आपको पाप आपके जीवन से धोकर, लोगों से धोकर शुद्ध किया, उस दिन की आनंद आपको याद है? प्रियो, वो आनंद नष्ट ना होने देना, उस आनंद नष्ट नहीं होने देना। जीवन में कभी भी गलती आएगा तो वो आनंद नष्ट हो जाएगा। आज हम बहुत लोगों के चेहरे में देखता है उनको उस उदार के आनंद नहीं, परंतु आनंद देकर के अभिनय करता है। प्रियो, अभिनय छोड़ो, प्रभु का दृष्टि में अपने आप को नम्र और दीन करके, पछताव करके, दिल की गहराई से रो करके प्रभु से मेल खाओ, भाव क्षमा पाले। मैं आपको आग्रह करता हूं, कोई भी व्यक्ति प्रियो इन बातों से वंचित ना हो। हरेक लोग जीवन में परखना, आज जरूर परखना। आप घर में जाने के बाद में मैं इसलिए आपको एक होमवर्क दिया था, बहुत लोगों ने मतलब लोग भूलने का स्वभाव है इसलिए भूल गया, लेकिन आज मैं आपको बिजी करता हूँ, भूलो मत। आज जरूर जाकर के योग का वो किताब जरूर पढ़ना, और जरूर अपने जीवन में भी उस वजन के साथ भी देखना, परे करके देखना। तो आइए समय हम अपने आप को समर्पण करें। प्रभु ने हमारा अवस्था जानकर हमसे बोला, प्रभु का वजन के आधार में आज मेरी अवस्था काम पड़े, मेरे से आज प्रभु बोला है कि नहीं, मैं उस स्वर्गराज्य का नागरिक का योग्य जीवन बिता रहे कि नहीं, ये बात को परखो। हम किसी का दूसरे का परखो मत, दूसरे को मत परखो, अपने जीवन को खुद को परखो, और प्रभु की दृष्टि में अपना असली अवस्था को जानो, और गहराई से मैं आशा करता हूँ जब आप प्रभु आज नहीं आए तो कल आने के टाइम पर आपका चेहरा चमकना चाहिए। क्यों चमकना चाहिए? कब चमकेगा? अगर आपने प्रभु से मेल खाया है तो, उस उदार के सच्चा आनंद में होकर के आएगा तो जरूर आपका चेहरा चमकेगा, एक बहुत बड़ा फर्क आपको जीवन में दिखाई देगा। प्रभु के द्वारा सबको आशीष दी, प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।